हेलो एट क्लास स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल पायनियर इंस्टीट्यूट 171983। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक कंस्ट्रक्शन का है जिसमें आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका नाम है प्लान। अब देखिए, हमने एक रफ डायग्राम इसका बनाना है पहले, PLAN प्लान, और इसमें हम जितने भी मेजरमेंट हमको दी हुई है वो हम रख लेंगे। हमें पी और एल की लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, L और A की लेंथ दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पर ये 3 एंगल्स दिए हुए हैं P90, A110 और N85। तो स्टूडेंट देखिए, हमारे कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए हमें इस एंगल L की रिक्वायर्ड होगी। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, उसकी हेल्प से हम L एंगल को फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर इन चारों एंगल का सम कर लेते हैं, 85 प्लस 110 प्लस 90 प्लस L इक्वल टू 180 सॉरी प्लस एल इक्वल टू 360 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इन सबको आप ऐड करेंगे और इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल एल आपका आ जाएगा 285, इधर माइनस हो जाएगा तो जो एंगल एल है वो आपका आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 5, जो बचेगा 15 में से, तो ये आपका 75 डिग्री का एंगल आ जाएगा स्टूडेंट। तो बस अब आप उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, तो चलिए करते हैं कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है PL, जिसकी मेजरमेंट आपको रखनी है 4 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल, रूलर आप यूज करेंगे। अब इस पर आपको दोनों पॉइंट्स पर एक तरफ 90 डिग्री का और एक तरफ 75 डिग्री का एंगल बनाना है। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप बना सकते हैं, तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है इस तरह से स्टूडेंट। उसके बाद 75 डिग्री का जो एंगल होगा एक्यूट, वही साइड में मूव करेगा, तो इस तरह से आप 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो दो एंगल आपने कंस्ट्रक्ट किए, एक 90 डिग्री का एट पॉइंट पी पर और सेकेंड इज 75 डिग्री एट पॉइंट एल। अब स्टूडेंट आपको 6.5 सेंटीमीटर की आर्क फिल करनी है अपने कंपास में और L पर रखकर इस पर कट लगाना है इस तरह से। तो ये आपके 6.5 सेंटीमीटर की आर्क है जो आप L से रख के इस तरह कट करेंगे, ये आपका पॉइंट आएगा A। तो स्टूडेंट्स, अब आपको एंगल A 110 डिग्री बनाना है, जो आप प्रोटेक्टर से बनाएंगे तो प्रोटेक्टर इस तरह से आप तिरछा रखेंगे और इस साइड में आपका 110 डिग्री का एंगल जाएगा, 90 से आगे इस तरह से आपका एंगल जाएगा ये 110 डिग्री का। तो स्टूडेंट ये आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। इसके वेरिफिकेशन के लिए आप इस एंगल को चेक कर सकते हैं, ये आपका 85 का ही आएगा। अगर 85 पर नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन गलत किया है। इसके स्टेप भी आप स्टूडेंट लिख सकते हैं, कैसे कैसे आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया बनाया है। तो स्टूडेंट ये आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो एंगल मेजरमेंट में बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, जैसे कि आप किसी भी लाइन पर रखें, सपोज ये आपकी तिरछी लाइन है, आपको इस पॉइंट पर एंगल बनाना है, तो इस तरह से आप इसको डी को यहाँ रखेंगे इस लाइन पर, इसका सेंटर यहाँ होगा और इसका दूसरा पॉइंट जिस लाइन पर आप बना रहे हैं उसका दूसरा एंड पॉइंट जिधर होता है उस साइड से इंक्रीज होने वाले नंबर हम देखते हैं। हमारे डी पर दोनों साइड से नंबर इंक्रीज होते हैं, एक इधर से 10, 20, 30, एक इधर से 10, 20, 30। तो आपको दूसरे जहां भी आप इस पॉइंट को रखेंगे उसकी दूसरी साइड में जहां लाइन होगी उस साइड से इंक्रीज होने वाले नंबर देखते हैं। तो इस पॉइंट के इस साइड में दूसरा एंड पॉइंट है, तो इसके इस साइड से इंक्रीजिंग नंबर देखेंगे आप, तो 10, 20, 30, 40 इस तरह से। अगर यही एंड पॉइंट आपका इस साइड होता, ये डी आपने यहां रखा है, तो जो इंक्रीजिंग नंबर देखेंगे वो आप दूसरे एंड पॉइंट की तरफ, यानी कि इधर से इंक्रीजिंग देखेंगे, इस साइड से इंक्रीजिंग 10, 20, 30, 40। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको प्रोटेक्टर रख के इस कंस्ट्रक्शन को सॉल्व करना है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो सभी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप उसको देख के अच्छे से इजी मेथड सीख सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।